नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज रमेश सरोज के साथ। मैं इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ लोकसभा लालगंज के अंतर्गत गोसाई के बाजार गोमाड़ी के गांव में। मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है सोलर लाइट लगी है और पैनल लगा है, जो संगीता आजाद संसद के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे और भी कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, मैं उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूंगा कि ये जो लाइट लगी है कितना ये यहाँ के लोगों के लिए फायदा है और यही नहीं, बहुत जगह जो है लाइट लगाई गई है जो कि बहुत सराहनीय काम है। और मौजूदा सरकार के अलावा जो है इनकी सरकार भी नहीं है, लाइट लगाई गई है जो आप देख सकते हैं। इतने बड़े जो है पूरे चौराहा है ये गोमाड़ी का। और मैं और लोगों कुछ हमारे साथ में मौजूद हूँ, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर ये लाइट का कितना फायदा होने वाला है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? प्रमोद राय। ये जो लाइट लगी है ये इसे कितना बड़ा जो है लोगों के लिए फायदा है और कितना अच्छा काम हुआ है किसके द्वारा लगाया? जो यहाँ पे लाइट लगी है किसके माध्यम से लगी है? ये तो जो लाइट लगी है माननीय संगीता आजाद जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से लालगंज की सांसद है, उनके माध्यम से लगी है। इस लाइट के लगने को इसका क्या फायदा? क्योंकि फायदा का मतलब ये है कि भाई ये चौराहा है और इस पूरे ग्राम सभा में, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहीं से पूरब के लिए जो हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए भी रास्ता जा रहा है। सामने राम जानकी का मंदिर है, उधर भी रास्ता है, मतलब चौराहा है। सामने बस अड्डा भी है, गोमाड़ी गोसाई बाजार का बस अड्डा है और चौराहे पर है। अच्छी रिस्पांस अच्छा है इसका, कोई दिक्कत नहीं। मौजूदा सरकार में जो सरकार नहीं है इस समय, वो इतना बड़ा जो है कि यहाँ पे पैनल सोलर लाइट लगी है जी। और पहले जो है मौजूदा सरकार क्या कर रही है, जो उसके विकास के बारे में बताइए। नहीं देखिए, मौजूदा सरकार की तो बातें मत करिए, ये गुंडों की सरकार है, ये नॉर्मल आदमियों की सरकार नहीं है। जो गुंडा है उसकी सरकार है। मैं बता दूं, मौजूदा सरकार में न रोजगार है, रोजगार के नाम पर कुछ है ही नहीं, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। दूसरा चीज है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप और हम लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सब केवल गुंडा राज है बस, और कुछ नहीं है। योगी तो कह चुके हैं कि जो है अपराध जो है मुक्त हो गया और अपराध के ऊपर लगाम लगा है। कहाँ अपराध मुक्त हो गया है हमको बताए लोग? गुंडा राज नहीं है, कुछ नहीं है। सुनिए, पत्रकारिता ऐसा नहीं होती है, कहीं पर गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। सब फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, जितने निर्दोष है सबको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। ये कोई सरकार का नियम नहीं होता है। हम लोकतंत्र में निवास करते हैं तो हमें लोकतंत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। रही बात माननीय संगीता आजाद जी की, तो यह गोसाई की बाजार में पहली लाइट नहीं है, इस एरिया की 7वीं 8वीं लाइट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ किसान ये है यूपी कॉन्वेंट है, वहाँ पर भी लगी है। बहुत सारी प्रक्रिया है। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, इस बार अगर गठबंधन हुआ, इंडिया का अगर गठबंधन हुआ, तो मैं प्रयास करूंगा कि जोरों जुल्मों के साथ चाहे जैसे भी इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और यह भी कहना चाहूंगा कि जितना जल्द इस बीजेपी से निजात पा लिया जाए उतना अच्छा है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं बीजेपी के लिए? सही कह रहा हूँ, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आज बेरोजगार घूम रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें बीएड नेट किया हुआ आदमी पकड़ा चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि जो है इस बार जो है 405 जो है 2000। अरे 200 तो जब्त हो गई है, 200 ना पहुँचिए, 400 के बाद छोड़ दें। अच्छा, और सब माछी मारी? 80 सीट में 80 सीटें नहीं चाहिए, और सब का करी? अरे खाता न खुली, टेंशन मत ला। इस बार अगर सपा और बसपा एक साथ आती है एक मंच पर, तो देखिए यहाँ क्या होने जा रहा है।